हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है प्रतिमा बेस्ट कुकिंग स्टाइल में। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीखे चटपटे अरबी के पत्ते की सब्जी की रेसिपी। पे चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 से 12 अरबी के पत्ते ले लिए हैं। इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिए है मैंने। अब इसे हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर बेसन मैंने 150 ग्राम के आसपास लिया है। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में यहाँ पे जाएगा 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर आमचूर पाउडर आपको पास नहीं है तो यहाँ पे चाट मसाला यूज कर सकते हैं, और चाट मसाला भी नहीं है तो आप यहाँ पे 1/2 नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे। अब इसको अच्छे से बैटर की तरह तैयार कर लेंगे। मैं पतला बैटर बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, इसका थिक बैटर तैयार करना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और बैटर को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से थिक होना चाहिए, ज्यादा पतला हमें नहीं करना है। इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम फेंट लेते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि बेसन अच्छे से मैंने फेंट लिया है। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो अब यहाँ पे अरबी के पत्ते ले लेने हैं। आप देख सकते हो दोस्तों ये छोटा बड़ा किसी भी साइज के आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट था, जो डंडल था, उसे मैंने हटा लिया है। अगर यहाँ पे आपको मोटा मोटा अगर डंडल वाला लगे तो आप थोड़ा थोड़ा इसे हटा सकते हैं। तो आप देख सकते हो ज्यादा मैंने नहीं हटा रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा हटा लेना है अगर ज्यादा मोटा हो तो। इस तरीके हटाने के बाद पत्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमें इस तरीके से पत्ता को लेना है। अब हमें क्या करना है कि जो बेसन मैंने तैयार किया है वो बेसन को हमें यहाँ पे ले लेना है इस तरीके से। अब इस तरीके से इसे हमें फैला लेना है बेसन को। मैंने बेसन को पूरा अच्छे से लगा लिया है। लगाने के बाद क्या करना है कि हल्का हल्का हमें इस तरीके से फोल्ड करना है दोनों तरफ से। दोनों तरीका से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और थोड़ा थोड़ा बेसन को हमें इस पे भी लगा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से लगाने के बाद अब इस तरीके से रोल करते जाइए। तब इस तरीके से आप बिल्कुल रोल कर सकते हैं इसे। तो सारे अरबी को पत्ते को हमें इसी तरीके से बिल्कुल रोल कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों के सारे अरबी ने इस तरीके से तैयार कर लिया है फोल्ड करके। तो आप चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टीम नहीं करूंगी, मैं इसे फ्राई करूंगी। तो चलिए अब फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो यहाँ पे सरसों के तेल से भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम डाल देंगे। एक बार में हम 2 से 3 डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे एक साथ। यहाँ पे 3 पत्तों को मैंने डाल दिया है। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो अब इसका हम साइड चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से हमें साइड चेंज कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पत्ता खुल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से दबाकर हम उसे फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से फ्राई होने देंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। यहाँ पर पत्ते हमारा फ्राई हो चुका है तो इसे हम आराम से निकाल लेते हैं। अब बचा हुआ सारे पत्ते को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो सारे अरबी के पत्ता को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। सभी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिर्च को मैंने
काट लिया है बारीक से। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्याज के हमें जब तक भूनना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के भूना गया है। हाँ, प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हो वैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक के पेस्ट। तो इसे अब हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो लहसुन अदरक से 1 से 1.5 मिनट के लिए भून गया, इसका पत्ते पर अच्छे से निकल चुका है। तो अब इसमें हम टमाटर के प्यूरी ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 से 4 टमाटर का प्यूरी बना लिया था मैंने, अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम सारे मसाले यूज कर लेंगे। 1 चम्मच डालेंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। साथ में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा कम या ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और सभी चीजों को अच्छे से चला लेंगे। तो अच्छे से चलाने के बाद इसे अब हम ढक देंगे। ढक के हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो मसाला को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है दोस्तों। तो देख सकते हैं आपके चारों तरफ से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अच्छे से एक बार हम चला लेंगे। मसाला के अच्छे से चलाने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। 1 से 1.5 कप तक पानी डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर दीजिए। अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे इसे मसाले के साथ पानी को। तो अच्छे से मैंने मसाला को मिक्स कर लिया है। इसे अब हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पहले पका लेंगे। तो मसाला हमारा पक रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जब यहाँ पे अरबी के पत्ते को मैंने अच्छे से फ्राई करके यहाँ पे साइड में छोड़ दिया था। तो अब हमें क्या करना है कि इसे अब हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम अरबी के रोल के यहाँ पर लेंगे। अब इस तरीके से हम कट कर लेंगे इसे। आप यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इतना मीडियम साइज के कट कर रहे हैं। सारे अरबी के पत्ते को हम इसी तरीके से काट के रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो अपने मन पसंद के शेप के काट सकते हैं। तो सारे इसी तरीके से काट के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सारे अरबी के पत्ता को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज्यादा बिल्कुल लेयर वाला तैयार हुआ है, बिल्कुल अंदर से जालीदार तैयार हुआ है। तो आप चाहे तो इसे चटनी के साथ ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों का ग्रेवी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे वो पकौड़ी बना हुआ अरबी के पत्ता को, जो पकौड़ी रेडी किया है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो सारे अरबी को पत्ता को मैंने डाल दिया है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा एक बार अच्छे से हम चला लेंगे। आराम से इसे चला लेना है। अब इसे अब हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ पे सब्जी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। तो अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला डालना है और ऊपर से कटा हुआ फ्रेश धनिया डाल देना है। अब अच्छे से एक बार इसे चला लेना है आराम आराम से। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट अच्छे से पका लिया है इसे। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। तो अरबी की सब्जी हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। तो मेरे इस तरीके से एक बार अरबी के पत्ता की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों? अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।